तो विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने मनुष्य के गुणों की चर्चा की। अब दूसरा गुणा हम कबीरदास का देखते हैं कि आवतकाली एक है, आवतकाली एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलट ये, वही एक कीजिए। अर्थात इस दोहे के अंतर्गत पहले हम शब्दों को देख लेते हैं कि दोहे में कौन कौन से हैं। आवत आती या आते हुए, आवत का हुआ आते हुए, गाड़ी गाड़ी का हुआ गाड़ी, अवसर अवसर जो बोलते हैं उसे हम गाड़ी शब्द कहते हैं। उलटत उलटत का था पलट कर देना, प्रति उत्तर देना। कई हमें कहते हैं कभी कबीरदास, नहीं नहीं उलट लिए, उलटना मैंने पलटना, होई का होता है होई, अनेक बहुत सारी। कबीरदास जी प्रसन्न थे कि यह जो दोहा है आपकी पाठ पुस्तक बसंत भाग तीन से लिया गया। इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। इसमें कबीर ने अवसर सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही। इस दोहे में क्या समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपशब्द करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात इसकी व्याख्या को हम देखते हैं, भावार्थ को हम देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, अपशब्द बोलता है, तब वह एक ही होती है, तब वह क्या होती है? एक होती है। परंतु जब हम उसे पलट कर उसे देते हैं, उसका प्रतिउत्तर देते हैं, तो वह बढ़ करके अनेक हो जाती है। अर्थात अपशब्द जो हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, गाली का रूप जो है वह बढ़ जाता है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान देंगे या एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वही वो खत्म हो जाएगी, वही वो पूरी हो जाएगी, अर्थात वह एक ही रहेगी। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी किसी से आपका अपशब्द कोई आपको बोलता है तो उसकी बातों को नजरअंदाज करें, उसको आप छोड़ देना चाहिए कि भाई आपके मुंह है, आप अपशब्द बोल रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा, तो वह गाली जो है, वह अपशब्द जो है वह एक ही रहे। परंतु जब आपने उसको उल्टा उलटकर प्रत्युत्तर दिया वह अनेक हो जाएंगे, अपशब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है या गाली बोल रहा है तो उसका प्रत्युत्तर हमें नहीं देना चाहिए।